हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी एनएचएम सीएचओ के बारे में बताऊंगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में, जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके रिगार्डिंग भी ये इन्फॉर्मेशन है, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये लास्ट वीडियो है। आप वीडियो ज़्यादा ना देखें, आप अपना प्रिपरेशन करें। वीडियो आप ज़्यादा देखेंगी तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है प्रीवियस कंटेंट पे जो आपने पढ़ रखा है उसे फोकस करना चाहिए। और हाँ, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि जब ज़्यादा लाइक आता है, ज़्यादा सब्सक्राइब मिलते हैं, तो सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप नॉर्मलाइजेशन का कुछ बच्चों का क्वेश्चन है, क्या नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, ये रेलवे का एग्ज़ाम का है, RRB चंडीगढ़ का है, देख सकते हैं। इसके रॉ मार्क्स 75 थे, प्रो रेटेड मार्क्स जो है बच्चे के आए हैं 100 में से, जब निकाला गया था ये रेलवे में 100 में से कापी चेक हुई थी, जब 75 नंबर पे चेक हुआ था तब ये मार्क्स हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उस पर ये मार्क्स है। फिर प्रो रेटेड मार्क्स निकाला जाता है तो 100 होता है। फिर आप यहाँ से देखेंगे, प्रो रेटेड से आपका 109 नंबर तक बढ़ गया था। नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं, एज योर शिफ्ट पे डिपेंड करता है, और क्वेश्चन के लेवल पे अटेम्प्ट डिपेंड करता है, और कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इस पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैं उन क्वेश्चन को बता दूं, और आप जिनका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, मैं आप लोगों उनको बता ही चुका हूं, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। आप देख सकते हैं ये उदाहरण है नॉर्मलाइजेशन का, इसमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ गए हैं आप देख सकते हैं। लगभग लगभग इसके 40 नंबर के आसपास बच्चे के बढ़ रहे हैं, 30 से ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 15,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है इस बार DV के लिए, क्योंकि 3 गुना बच्चों को बुलाया जाना है, ये आपके नोटिफिकेशन में बताया गया है। फिर कुछ क्वेश्चंस है मैं बता दूं, इसके बाद बताऊंगा आप बच्चे ज़्यादा जिनका एग्जाम हो वो परेशान ना हो, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे, कई चैनल्स पे देखेंगे, मैंने कई चैनल से देखा है डीमोटिवेट कर रहे हैं कि मेरे चैनल से नहीं पढ़े, आप कई कई चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। अभी कोई बड़े चैनल्स भी हैं जो बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आपने जो है मेरे चैनल से पढ़ा होता तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता, आप कहीं और से पढ़ लिए, कोई सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ लिए, इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो डीमोटिवेट ना हो, आप जितनी तैयारी आप उतनी तैयारी में बेहतर कर सकते हैं, बस आप अपने ऊपर बिलीव रखें, आप बेहतर कर सकते हैं, बस ये आप समझ के जाइए आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है अब वही काम आने वाला है। क्योंकि हड़बड़ाने से क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इस वजह से आप जो है आपकी जो भी तैयारी है उसमें आप जो है बेहतर करके आए। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है मिले हैं मैं बता दूं, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में कितने बिस्तर होते हैं, बेड होते हैं, तो 30 बेड होते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 में कब तक मनाया गया था, तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। हृदय रोगी यानी कि CRP अनुपात क्या होता है, तो 30:2 होता है। 100 ml गाय के दूध में कितनी कैलोरी होती है, तो 64 किलो कैलोरी होती है। और फिर विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है 1961 से शुरू किया गया था। 1857 की क्रांति, ये GK का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति ईस्वी के विद्रोह में कानपुर नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने किया था। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश जाना जाता है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कट ऑफ ये होने वाला है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, यानी कि अगर आपके 4 नंबर बढ़े हैं, आपका 45 नंबर है, पढ़ के आपके 5 नंबर बढ़ जाएं, आपके 50 हो जाएं, तो आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। तो बिल्कुल अगर आपके 50 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप उस टाइम पर ज़्यादा पैनिक ना हो। 50 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जो है पेपर दें। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही रखा था किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बच्चों ने बताया है, तो आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इन टॉपिक को रिवाइज कर लें। वैसे सभी जो चीज़ आपकी पढ़ी है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो जिनका एग्ज़ाम जो है 7 सितंबर को है, वो कोई वीडियो ना देखें, यूट्यूब पे कुछ ना करें, जो अपना नोट्स बनाए हैं, जो पढ़े हैं, उसी को बेहतर ढंग से फिर से रिवाइज कर लें। 2 से 3 दिन का जो टाइम आपको मिला है, यानी कि आज का, कल का, परसों का, थोड़ा सा जैसे जिनका थर्ड शिफ्ट में, उनका परसों को भी उनका जो है थोड़ा टाइम मिल रहा है दिन भर का, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ रखे हैं उसको रिवीजन करें, क्योंकि आपका रिवीजन ही आपको वहाँ पे जो है लाभ देने वाला है। और अब नया कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि आप नया पढ़ेंगे तो पुराना भी आपका जो है
इरेज होगा, भूलता जाएगा, ये मानव प्रवृत्ति है। और बिल्कुल परेशान ना हो, अब अगर आपका ये एग्जाम नहीं निकलता है तो आप इससे यही सीख लें कि आपको निरंतर तैयारी करनी चाहिए। जैसे जब तक एग्जाम डेट नहीं आया, तब कुछ बच्चे बता रहे हैं सर जब तक एग्जाम डेट नहीं आया था एडमिट कार्ड का, तब तक हम लोगों ने तैयारी ही नहीं किया, हम लोगों को कंफर्म नहीं था कि ये एग्जाम हो जाएगा इतना जल्दी। तो इसलिए आप बिल्कुल तैयारी करें। बाकी एम्स के एग्जाम भर्ती आती रहती है, बाकी एनएचएम की और भी भर्ती आने वाली है, 2800+ भर्ती आने वाली है फिर से। तो आप बिल्कुल अगर अभी से प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एएनएचएम की सारी जो है कोर्सेज की क्लासेस अपने यूट्यूब पर शुरू करने वाला हूं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही क्लासेस बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सारे सिलेबस को कवर कराऊंगा। और मैं आप लोगों को विथ जो है आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके टॉपिक को भी विस्तृत रूप से। करके आए हैं आप पेपर, इस बार तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप अगर लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आपको लाभ मिला है। जैसे कि इसमें कोई भी एग्जाम हो, कभी भी हो, आप किसी काम को बेहतर ढंग से तभी कर सकते जब आप उस पे भी है, यानी कि निरंतर आप एक ही घंटे करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ें, 1 घंटा पढ़ना मुश्किल काम है। ज्यादातर मैंने जो एन एम है वो भी इसमें आना चाहती हैं, तो वो अपना जॉब कहीं ना कहीं करती हैं। इसमें जाने के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम कहीं ना कहीं अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो सभी के बस की बात नहीं है 8 से 10 घंटा पढ़ना। कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान काम है, वो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सभी के बस की बात नहीं है कि निरंतर जो है 8 घंटे 10 घंटे तैयारी किया जा सके, क्योंकि जॉब करते हैं। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए 1 घंटे आप तैयारी के लिए अगर दिन में निकाल रहे हैं, 2 घंटे निकाल ले जा रहे हैं, तो 3 से 4 मंथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतर ढंग से आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि सब्सक्राइब करें ताकि सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से जो है एनर्जी मिलती है कंटेंट ढूंढना और सब पीडीएफ बनाना आपके लिए, ये सब टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनका एग्ज़ाम है, बार बार मैं कह रहा हूँ, वो अपना केवल रिवीजन करें, लास्ट टाइम का रिवीजन ही आपको जो है सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला है। और कट ऑफ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये तय है, मैं आप लोगों को लिख के दे दे रहा हूँ। ये वीडियो पड़ी रहेगी, आप बाद में आके फिर से वीडियो देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे और कट ऑफ का यही कर लगभग लगभग कट ऑफ यहीं के आसपास होने वाला है, क्योंकि सभी शिफ्टों में बच्चे बता रहे हैं पेपर हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो मिल गए थे मैंने आप लोगों को बता दिए है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को 7 तारीख को ही मिलने वाला है, इससे पहले कोई वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, जो उनका एग्ज़ाम 7 सितंबर को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस पढ़े हैं, आपने प्रीवियस में जो नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को पढ़ें, नया कुछ ज़्यादा ना पढ़ें। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है तो आप बिल्कुल फिर से रिवीजन करें, जितनी बार रिवीजन उतनी बार रिवीजन करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा, औरों से बेहतर करेंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो औरों से बेहतर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो पढ़ रखे हैं वही आपके लिए अब काफ़ी है, अब नया पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे पुराना भी। और 7 सितंबर को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लग रहेगा। और बिल्कुल पैनिक ना हो, जिनका एग्ज़ाम हो गया है, मान लीजिए उनका पेपर गड़बड़ गया है, मतलब उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, वो 40 40 नंबर भी नहीं कर पाए हैं, वो परेशान ना हो, लेकिन हाँ इससे सीख लेने की यही बात है, मतलब इस हुआ है एग्ज़ाम, इससे आप ये सीख लें कि आप आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मतलब कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाता है, तब तक जो आपका ये माइंडसेट होता है कि जब एग्जाम डेट आ जाएगा फिर तैयारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर तैयारी किया जाएगा, तो ऐसा माइंडसेट चेंज करें। लगभग 3 से 4 मंथ आप प्रॉपर जो है प्रॉपर डेडिकेट होकर एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, ताकि जो है आपको इसका जो है फाइनल लाभ मिल सके, क्योंकि लोग तभी आपका लोहा मानते हैं जब आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। कोई मैटर नहीं कि आप